हाँ तो कैसे हैं दोस्तों, आज पीएसएल ब्लॉग के माध्यम से आप लोग क्लास टेंथ वाले बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग समझते हैं कि इसमें क्लास टेंथ में होता दो शिफ्ट का एग्जाम होता है, एक होता फर्स्ट शिफ्ट और एक होता सेकंड शिफ्ट। ये दोनों शिफ्ट का एग्जाम में मैं 2011 से लेकर 2023 तक का जो एग्जाम हुआ है उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बताने वाले हैं। सुनिए ध्यान से कि कौन शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट ज्यादा आसान है या सेकंड शिफ्ट आसान है, उसके आधार पर हम क्वेश्चन के आधार पर मैं बता रहा हूँ। सुनिए ध्यान से कौन सा सीटिंग अच्छा या बेहतर हो रहता है वो बता रहे हैं। सुनिए ध्यान से क्लास टेंथ वाले बच्चे कहाँ खोल कर सुनिए और यह वीडियो को जहां तक शेयर कर सकते हैं उन बच्चों को पहुंचाइए जहां बच्चों को लगता है कि सेकंड सीटिंग एग्जाम बहुत हार्ड होता है, फर्स्ट सीटिंग इजी होता है। तो मैं ये हिसाब से मैं कहना चाहता हूं बच्चे को, जो फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन होता है या सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन होता है वह दोनों में ज्यादा का डिफरेंट नहीं होता है। पहले पहले बात को आप लोग ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं फर्स्ट सीटिंग का। फर्स्ट सीटिंग का कुछ क्वेश्चन जो है हार्ड भी है और ज्यादा क्वेश्चन जो है 80-70% क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन होता है। वही आता है सेकंड सीटिंग का एग्जाम, वह सेकंड सीटिंग एग्जाम में ज्यादा हार्ड रहता है और मतलब 2016 में देखा गया कि हार्ड क्वेश्चन रहता है और बाद बाकी क्वेश्चन जो देखा गया है वह नॉर्मल ही क्वेश्चन रहता है, नहीं ज्यादा हार्ड रहता है नहीं क्या कहते हैं नहीं नॉर्मल रहता है, तो मीडियम में रहता है सेकंड सीटिंग के क्वेश्चन। और आप लोग जो सेकंड सीटिंग के बच्चे हैं वह ज्यादा प्रेशर मत लीजिए कि क्वेश्चन बहुत ढेर सारे भारी क्वेश्चन आएगा, नहीं कभी नहीं। बिहार बोर्ड का एग्जाम में अब जो है बिहार बोर्ड का मकसद है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बच्चे को पास करवाया जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में बैठता है बच्चे है उसको ज्यादा से ज्यादा पास करवाया जाए। तो आप लोग को ध्यान में रखिए कि बिहार बोर्ड जो सरकार एग्जाम लेती है, बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेगी आप लोगों को, तो यह ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, नहीं फर्स्ट सीटिंग वाले को नहीं सेकेंड सीटिंग वाले को। हाँ अब बची बात की आप लोग को के पास नियंत्रणता कितना है, मतलब पढ़ने का क्षमता कितना है आपके पास, वह डिसाइड करेगा एग्जाम हॉल में। देखो कोई भी क्वेश्चन है इससे मतलब नहीं है, चाहे 2 नंबर क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या 5 मार्क क्वेश्चन है, आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए अभी से, कि ऑब्जेक्टिव जो 15-16 दिन बचा हुआ शेष समय है वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टाइट हिट कीजिए, कि अगर 50 क्वेश्चन है मतलब 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है उसमें 50 को हिट करना है मतलब बनाना है, तो 50 क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस हो गया है बच्चों, अब वो जमाना नहीं है कि वह सब ऑल क्वेश्चन उन लोग बनाना है, नहीं इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिया गया है, अब लोगों को एक क्वेश्चन बनाना है, मतलब 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का जवाब देना है, 8 क्वेश्चन में 5 मार्क क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बनाना है, इसका मतलब है कि उसमें से 4 क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा, एटलीस्ट बन ही जाएगा, ठीक है, या 2 नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन में से आप लोगों को आराम से बन जाएगा। ध्यान से बनाइएगा प्यारे बच्चों, बनेगा आप लोगों क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन रहता है, इसके लिए घबराना नहीं कहीं दूर दूर तक, और बिहार बोर्ड एग्जाम आप लोगों को पास करवाने के लिए लेता है, बल्कि 9 पास करवाने के लिए आता है, पास करवाने के लिए लिया जाता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से बनाइएगा। और ये बताने के लिए आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा था कुछ ही दिन से, ताकि मैं बता नहीं पाया, कुछ समय की व्यस्तता कारण हम ये बात आप लोगों को कह नहीं पाए, तो ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं, तब तक के नेक्स्ट मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।